नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है भाजपा के अगर चुनाव प्रचार को देखा जाए कर्नाटका में या फिर देश में राजनीतिक गतिविधियों को देखा जाए तो जो विकास का एजेंडा है वो कहीं आ, पीछे चला गया है और सांप्रदायिकरण जो है वो आगे उभर के और आ रहा है नमाज की बातें हो रही है भगत सिंह को जेल में मिलने कौन गया था इसकी बातें हो रही हैं और अगर देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी देखा जाए तो दलितों मुसलमानों और आदिवासियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं हाल ही में सहारनपुर में भीम आर्मी के एक लीडर के भाई की हत्या की गई है इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है जी, क्लिक में आपका स्वागत है कर्नाटक से शुरू करते हैं प्रधानमंत्री जाते हैं भाषण देते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता भगत सिंह से मिलने जेल में नहीं गया इसीलिए आप भाजपा को वोट दीजिए आखिर हुआ क्या है क्योंकि आज से चार साल पहले की बात की जाए तो बात होती थी कि हम दो करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस चेक करेंगे एफ नहीं आने देंगे और अब देखा जाए तो जस्ट उसका उल्टा हो रहा है और इसको छुपाने के लिए ये जो दक्षिण संस्थान है संगठन है आर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये लगातार अपने एजेंडे को सरकार के थ्रू पुश कर रहे हैं असल में मुझे लगता है प्रांजल की ये अनायास नहीं है हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं जर्नलिस्ट या समाजशास्त्री या आम लोग भी ये समझते हैं कि ये यूं ही हो रहा है मुझे लगता है कि ये राजनीति का एक नया शास्त्र है वो ये है कि जो अमेरिकन या बहुत सारी जो वेस्ट के बहुत सारे जो चुनाव प्रबंधक हैं वो पूरे दुनिया में जहाँ भी इस तरह की पद्धति है चुनाव की वहाँ वहाँ नेताओं को आ, शिक्षा देने के लिए ट्रेन करने के लिए वो आते हैं बड़ी बड़ी मोटी रकम लेकर और वो उनको ट्रेन करते हैं मुझे लगता है कि ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप चूंकि चार साल हो चुका है सरकार के आप पूरी तरह आर्थिक मोर्चे पर विफल हैं क्योंकि ये लोग ब्रीफ करते हैं अपने चुनाव प्रबंधकों को कि भाई देखो हम तो कर नहीं सके और न कर पाएंगे हम गिवन सिचुएशन जो हमारी है और जो हमारी पॉलिसीज हैं जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बल पर हम आए हैं तो हमें उनको देखते हुए हम जनता की जो आकांक्षाएं उनको पूरी नहीं कर सके हैं अब हम क्या करें चुनाव जीतने के लिए तो मुझे लगता है कि इनको ये शिक्षित किया जाता है इनको यह बताया जाता है कि आप उत्पटांग चीज़ें कीजिए आप ऐसी चीज़ें कीजिए लोगों का क्योंकि भारत के बारे में एक समझ है पूरी दुनिया के जो चुनाव प्रबंधक हैं कि भई एजुकेशन का लेवल है कॉन्सियसनेस का लेवल है बहुत सारी विभिन्नता है बहुत सारी डाइवर्सिटी है इस देश में तो आम लोगों को भरमाने के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं देखिए यही कारण है कि उस चुनाव में भ्रष्टाचार खत्मा खत्मा की बात की गई थी उस समय कहा गया था विकास की बात दोनों बातों को अब कोई महत्व नहीं मिल रहा है उसी कर्नाटका में जो सबसे करप्ट पॉलिटिशियन है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव ब्रिगेड के कमांडर हैं मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं आप बेलारी से लेकर बेंगलुरु तक देख लीजिए सारे के सारे वे लोग हैं जिनके चेहरे बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं जिन पर कोई पर्दा भी नहीं है दूसरी तरफ आप देख लीजिए डेवलपमेंट का मामला इस पूरे चुनाव में डेवलपमेंट की कहीं बात नहीं आप सुनेंगे तो आखिर चार साल में ये क्यों बदल गया मुझे लगता है कि अब चुनाव में जन समर्थन की जरूरत नहीं है अब जन प्रबंधन की जरूरत है और ये जन समर्थन से जन प्रबंधन का जो पूरा का पूरा एक मैनेजरियल एक एक शास्त्र सामने आया है वो पश्चिम के कुछ बड़े जो तथाकथित चुनाव प्रबंधक हैं ये बड़ी बड़ी एजेंसियां हायर किए हुए हैं लोग तो इन एजेंसियों के कुछ उठपटांग लोगों ने इन लोगों को उठपटांग सलाह दी है कि उत्पटांग बातें करो तो यह शास्त्र है चुनाव का और राजनीति का भारतीय राजनीति का अजीब उत्पटांग शास्त्र है है मुझे लगता है कि जनता को इसे पलट देना चाहिए और अगर जनता वाकई इस इस देश की उत्पटांग शास्त्र को समझ रही है तो उसे पलट देगी इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि आप बताइए भगत सिंह से कौन मिलने गया था कांग्रेस का नेता या कम्युनिस्ट पार्टी का नेता या किस पार्टी का नेता यह क्या मतलब है अरे क्या आपने पूछा कि आर उस समय क्या कर रही थी आपने बताया कि जनसंघ क्या कर रही थी जनसंघ तो खैर बाद में बनी थी लेकिन 1925 के आसपास आरएसएस बन चुका था वो क्या कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह से आपका क्या रिश्ता है भाई और भगत सिंह से तो अब बात सामने आ गई है कि कांग्रेस में जो तरक्की पसंद खेमे के बहुत सारे लोग थे वो मिलने जाते थे उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनकी थी इसके बावजूद एक दूसरे के बीच में संवाद था बहुत कम उम्र में भगत सिंह बने थे यू नो आ गणेश शंकर विद्यार्थी जिनकी जो हमारे पूर्वज हैं मतलब हम पत्रकारिता में उनको अपना पूर्वज मानते हैं हम प्रतीक पुरुष मानते हैं पत्रकारिता के उन दिनों आज़ादी की लड़ाई में वो भी कांग्रेस में शामिल थे और कांग्रेस दरअसल एक फोरम उस समय थी उसमें हर धारा के लोग थे ई एम एस भी एक समय आप जानते Congress. हैं कांग्रेस और सी में तो बाद में वो सेक्रेटरी भी बने तो बहुत सारे अलग अलग धाराओं के लोग कांग्रेस में उस समय काम करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी प्रदेश कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी एक समय थे उन्नीस में नेहरू की बात छोड़िए 1929 में कानपुर से चल करके लाहौर गए थे गणेश शंकर विद्यार्थी ये इनको पढ़ता नहीं ये कुछ नहीं जानते ये लोग पढ़ते लिखते नहीं ये ये उठपटांग शास्त्र के प्रेमी हैं और उन्नीस में जतिन दास जब जेल में हड़ताल कर रहे थे भूख हड़ताल और लंबे दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हुई लाहौर में उस वक्त ये गणेश शंकर विद्यार्थी गए थे अनेक नेता जो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल थे जो गए थे अब माफ़ी मांगने वालों की बात आप आप नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे अब वो उन्होंने भगत सिंह के नाम पर उन्हीं के नाम के साथ वीर सावरकर का नाम जोड़ दिया वीर सावरकर जिनकी केंद्रीय कक्ष में पार्लियामेंट के लोगों ने तस्वीर लगवाई है एक दौर में उन्होंने न जाने कितनी बार माफिया मांगी अंग्रेजों से तो उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को बिल्कुल मैं इस बारे में निश्चिंत हूं कि ये उत्पटांग शास्त्र है जो इनके चुनाव प्रबंधकों ने इनको बताया है कि उल्टी बातें करो जिससे लोग आपको आपकी विफलताओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाए पर अगर राज्यों में इनके नेतृत्व की बातें की जाए तो वो भी एक जो मेजोरिटी कम्युनिज्म है वो तेजी से पुष्ट कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में नमाज नहीं होगी मान लिया कि पब्लिक प्लेसेस में नमाज आप मत अलाउ करिए पर ये जो लगातार बातें हो रही हैं कि जहां 50 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन है वहीं पे आप नमाज पढ़ सकते हैं मतलब इस देश में अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपको राइट टू रिलीजन नहीं है दैट इज़ एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू से नमाज के ऊपर इतना बड़ी इतनी बड़ी बहस चल रही है जबकि वहीं दूसरी तरफ हरियाणा का रिकॉर्ड है कि महिलाओं पर हिंसा दलित आदिवास दलितों पर हिंसा लगातार बढ़ रही है उसके बारे में हरियाणा सरकार बात करने को तैयार नहीं इसलिए कि ये वही है कि आप चुनाव आ रहा है आप जो वास्तविक मसले हैं समाज के जनता के आवाम के देश के उनको बिल्कुल पलट दो आप जो लोग जो हैं भूल जाएँ कि उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं और इसमें इनको बड़ा सहयोग केवल ये इनके नेता नहीं कर रहे हैं इसको टेलीविज़न भी इसको सहयोग कर रहा है तो एक तरफ इनको सपोर्ट करने के लिए जो इंटायर मतलब जो चैनल्स हैं हिंदी के अंग्रेजी के भी ज़्यादा कई अनेक बल्कि उसमें कुछ एक एक्सेप्शन एक हैं लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट चैनल की दुनिया है और जाहिर है पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर भी उन्हीं का कब्जा है तो ये एक सपोर्ट बेस उनको दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनके नेता देखिए पहले के नेताओं मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी के समय जब शासन था तो वो कम्युनल एजेंडे को इस्तेमाल नहीं करते थे वो लोग भी करते थे राइट्स हमारे यहां तब भी होते थे लेकिन कांग्रेस में भैया कुछ नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए स्टेट लेवल पर तो जो बड़े नेता होते थे वो इस तरह से खुलेआम नंगे ढंग से जो संविधान की शपथ लिए हुए हैं इस तरह की बातें नहीं करते थे या एवॉड करते थे कम से कम कम बोलते थे लेकिन अब आप बताइए एक हरियाणा का चीफ मिनिस्टर अगर वो बजरंग दली भाषा बोले अगर वो एक खुल करके के एक गोरक्षा दल के कार्यकर्ता की तरह बोले तो भाई साहब कार्यकर्ताओं दल जो गोरक्षा दल है या बजरंग दल जो है या और जो गुंडा वाहिनियाँ हैं आप उनसे संरक्षण आम जनता को या गरीबों को माइनॉरिटीज़ औरतों को आखिर संरक्षण किससे देने की मांग लोग करेंगे सरकार चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो या सीपीएम की हो आम जनता जाती है स्टेट्स में ज्ञापन देती है मुख्यमंत्री को अपील करती है भाई आप अगर ऐसा करोगे तो अपील और ज्ञापन का मतलब ही क्या रह जाएगा तो मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है आप उपासना की स्वतंत्रता संविधान में सबको प्रदत्त की गई है भारत के संविधान में माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए अब सवाल इस बात का है कि आप स... अपने लिए सारा चाहते हैं जो प्रावधान नहीं भी हैं अब आप पूछे कोई कि भाई इस देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो अपने ढंग से उपासना करती है लेकिन जो व्यावसायिक और आज के दिनों में जो एक अजीब तरह का खुला नंगा नाच हो रहा है धर्म के नाम पर कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें डीजे बजता है और तमाशा होता है शराब बढ़ती है पता नहीं क्या क्या होता साथ है साथ में तिरंगा झंडा भी तिरंगा भी झंडा और और कुछ एक ऐसे दिन आते हैं जब हरिद्वार से लेकर के और दिल्ली तक ना जाने हरियाणा तक कितने सारे लोग पूरी सड़क घेर लेते हैं आप ट्रैफिक का चलना मुश्किल हो जाता है यह आप अलाउ करते हैं आप ये अलाउ करते हैं कि कहीं भी दिल्ली एनसीआर या दूसरी जगहों पर अचानक कोई जमीन पर कब्जा कर लेता है एक मंदिर बना देता है एक मूर्ति गाड़ लेता है उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग शांति के साथ कहीं नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर अटैक करते हैं बीस अप्रैल को गुड़गांव में जो घटना घटी मेरे को लगता है वो नियोजित है नियोजित इस सेंस में कि जिस तरह से गोरक्षा दल पहले कर रहा था या लव

और नए एरियाज़ डेवलप हुए हैं पर साथ ही साथ ये भी हुआ है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं हर जगह जहाँ ये नई चीज़ें डेवलप होती हैं नए एरियाज़ डेवलप होते हैं कि यहाँ मंदिर बनेगा यहाँ मस्जिद बनेगा तो मंदिरों के लिए तो जगह है आपके पास पर मस्जिदों के लिए कोई जगह नहीं है बेसिकली तो एक समाज का एक बहुत ही क्रूर आईना कि हम किस तरीके से एक कॉम्यूनल एजेंडे में फंसते जा रहे हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है ये एक दिखाता है बिल्कुल और ताकि लोगों को ये समझ में ना आए कि वो दलित हैं उनको ये ना समझ में आए कि हम पर दमन हो रहा है उन पर उन पर उनके खिलाफ़ बलात्कार हो रहा है सबको हिंदू के रूप में पेंट करो सबको ये बताओ कि तुम्हारी एक समस्या है और वो है मुसलमान आईन ये इतना खतरनाक नैरेटिव इतना खतरनाक विमर्श है कि मुझे लगता है कि पूरे मतलब जो हिंदू अपने को कहने वाले लोग हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी जो सर्वाधिक लोग हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं जो उनका बहुमत अगर देखा जाए जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो आज बेहाल हैं रोज़गार को लेकर शिक्षा को लेकर स्वास्थ्य को लेकर इन समस्याओं से उन सबका ध्यान हटा दिया जाए यह पूरी योजना इसी के लिए बनाई गई है एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री उत्पटांग शास्त्र का आ, को प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरी तरफ इन लोगों को हुड़दंग में आ, उतार दिया गया है तो ये, एक, एक 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 बड़ी योजना का हिस्सा लगता है ये एक राजनीति है इसके पीछे मुझे लगता है कि सभी आ, जो जो सफ़र करने वाले लोग हैं या जो इस घटनाक्रम को लेकर सतर्क हैं उनको एक बड़े यूनाइटेड होकर चलना पड़ेगा तभी इन चीज़ों का मुकाबला किया जा सकता है पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तो ये बात की थी कि इस तरीके से दलित अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भाजपा अपना रही है कि घर जा रही है खाना खा रहे हैं साथ में पर उत्तर प्रदेश में अभी हाल में देखने को मिला कि भीम आर्मी के एक लीडर के भाई की हत्या की जाती है एक तरफ तो आपकी कोशिश है कि दलितों को आप हिंदुत्व के फोल्ड में लेके आ जाएं पर दूसरी तरफ लगातार जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर ऐसे हमले 2019 की तैयारी चल रही है ऐसा लगता है देखिए मुझे ऐसा लगता है आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी पहले योजना ये रही है कि दलितों को अपने फोल्ड में लाया जाए लेकिन मेरा आकलन है कि अब पिछले चार सालों के दरमियान हाल के दिनों में इनको एहसास हुआ है कि दलित उनके फोल्ड से बाहर है और दलित किसी की मत पर उनके साथ आने को तैयार नहीं है चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी को अपने साथ रखें अठावले ग्रुप को या वो रामविलास पासवान को अपने साथ बनाए रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दलित उनका सबसे मुखर विरोधी बनकर उभरा है ये बात आर को बीजेपी के सदर मुकाम को समझ में आ गई है और यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपने लोगों को आ, बिल्कुल खुला आ, कर दिया है कि आप जो चाहे वो करो लेकिन आप कोशिश करो कि चीज़ों का हिंदूकरण किया जाए या हिंदुत्वीकरण किया जाए कम्युनलाइज किया जाए इस एजेंडे से नहीं हटना है शेष जो चाहे वो करो देखिए जो घटना घटी है वो राणा प्रताप जयंती के दिन घटी है इस देश में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने वाले लोग एक कम्युनिटी के हो सकते हैं लेकिन उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जब मिलता है तभी वो उपद्रव पर उतरते हैं अकबर रोड दिल्ली में इतनी मशहूर रोड है उस रोड पर बड़े बड़े सियासतदानों को प्रशासकों का घर है वहां पे आकर के सारी और पुलिस है अगर छोटी सी गलती आप करते हैं ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है लेकिन वहां उनको कोई पकड़ने नहीं गई पहले उसने महाराणा प्रताप मार्ग कर दिया तब जाकर पुलिस को भेजा गया कि तुम उसको पट्टी उतारो ठीक उसी दिन सहारनपुर में भीम आर्मी के जो डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं उनके भाई की नृशंस हत्या की जाती है और सिर्फ भाई नहीं वो स्वयं एक एक्टिविस्ट थे इसके अलावा एक नई बात और पता चली है जो आज अखबारों में भी है कि जिस व्यक्ति ने हत्या कराई या जिस में योजना का हिस्सा बताया गया है आरोप लगा है वो वही व्यक्ति है जिसने फूलन देवी की हत्या में जिसका हाथ था और जिसको लेकर वो अभी जमानत पर है तो मेरा ये कहना है कि ये सब घटनाएं जो हो रही हैं ये एक योजना के तहत बार बार मैं कह रहा हूं कि यह 2019 की चुनाव लड़ने की योजना है क्योंकि यह एहसास हो गया है संघ परिवार और बीजेपी के बड़े नेताओं को कि जनता के स्तर पर वो चुनाव हार रहे हैं अगर जन समर्थन के हिसाब से देखा जाए तो जन समर्थन वो बुरी तरह खो रहे हैं दलित उनके खिलाफ है आदिवासी उनके खिलाफ है ओबीसी में बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ है सिर्फ अपर कास्ट का एक सेक्शन उनके साथ हो सकता है लेकिन उसका भी जो तरक्की पसंद हिस्सा है वो उनसे नाराज है मिडिल क्लास से जो शहर में है उसमें अपर कास्ट के ही लोग ज्यादा हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं सोसाइटीज में रहते हैं अगर आप उनसे आप बात कीजिए तो वो मोह भंग उनका हो चुका है तो ऐसे में फिर उनको समर्थन कहां से है भाई हमें यह नहीं समझ में आ रहा है किस समर्थन के बल पर वो दो जीतने की कोशिश कर रहे हैं मैं नहीं जानता तकनीक और साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैं मेरी मर्मज्ञता नहीं है लेकिन जो मैं एक जर्नलिस्ट की नजरों से देख रहा हूं तो मुझे बस यही लगता है कि वो जन समर्थन से नहीं जन प्रबंधन से चुनाव जीतना चाहते हैं और जन प्रबंधन का उत्पटांग शास्त्र भी है इसमें टेरर भी है इसमें दमन भी है इसमें उत्पीड़न भी है इसमें ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल भी है निर्वाचन आयोग का आज क्या हाल है आप देख लीजिए भारत का इतनी महत्वपूर्ण भारत की संस्था जिसका विदेशों में भी लोग चाहते हैं कि उपयोग हो उस संस्था की प्रामाणिकता को विश्वसनीयता को जिस तरह इस सरकार ने खरोंचा है उसमें उसमें दाग लगाया है वो अभूतपूर्व है तो मुझे लगता है कि ये जो दलित उत्पीड़न या इस तरह की बातें जो आप पूछ रहे हैं यह सब जो है ये इनकी सोची समझी एक साजिश है शुक्रिया विमिलेश अगले हफ्ते फिर हम एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद न्यूज क्लिक देखने के लिए धन्यवाद